अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें हमने डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमें गिवन है। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 2 by 2 का गिवन है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी बी अ 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डी ई टी ए, और ए और साइडों पे हमने क्या लगा देने हैं, इसके लाइंस लगा लेनी है। और इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ये वाला है मेथड हमारे पास। ठीक हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 होगा वो बेसिकली होता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई भी ए मैट्रिक्स ले लेना है जो कि हमें डेफिनेशन में भी गिवन है, ए बी सी एंड डी। ठीक हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को डिनोटेड कैसे करते हैं, मतलब जाहिर किस तरह से करते हैं, हमें पहले तो वो ये भी पता होना चाहिए। तो उसको हम दो तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी ई टी ऑफ ए लिख देंगे, ठीक है, या हम उसको लिख सकते हैं ए और साइड्स पे हमने दो इस तरह से बार्स लगा देने हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम यहाँ पे फाइंड करने का मेथड देख लेते हैं जी, क्या है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। ठीक हो गया, इस तरह से हमने करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी, ए डी आ जाएगा। और जब सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन लेना होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी सी। तो ये जो होगा हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम नाम दे देते हैं, क्या है जी, वो लैम्डा है। और ये किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो बेसिकली ये रियल नंबर्स होते हैं, ये यहाँ पर जो है हमने एक जनरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जब हम इसको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे, 0, 1, 2, 3 up to so on। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग जो है। एग्जाम्पल क्या है जी, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है जी 1, 2, 3 and 4। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिटरमिनेंट, दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 4। जब इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन ले लेना है। ठीक है, तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर -3 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 - 6 - 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है मैट्रिक्स ए का, और हमारे पास उसका ऑर्डर क्या था, 2 by 2। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।